जंगल बायोम माइनक्राफ्ट के वन ऑफ द डेंजरस बायोम में से एक, जहां पे एक गलती और पूरा वर्ल्ड खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। एंड इवन आप लोगों को भी पता है जंगल बायोम में घने पेड़ों की वजह से डे टाइम में भी बहुत सारे डेंजरस मॉब स्पॉन होते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन तुम लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब तो पता है, तुम लोग वही करो। और तो और इस पूरे बायोम में कहीं पे भी कोई भी विलेज एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड यहाँ पर एनिमल्स के स्पॉन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम है। सो ऐसे बायोम में हमको सर्वाइव करना है 100 डेज, एंड इन 100 डेज में हमको इस बड़े से जंगल में अपना खुद का एक बेस बनाना है। उसके बाद हमको फुल इंचेंटेड डायमंड आर्मर क्राफ्ट करना है, एंडर ड्रैगन को डिफीट करके एंड को फ्री करके इलाइट्रा लाना है, और लास्ट में हमको बिल्ड करना है अपने लिए एक बड़ा सा क्रीपर फार्म। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस यार, डे वन को हम स्पॉन हो जाते हैं अपने प्यारे से जंगल वर्ल्ड में, एंड तुम लोग देख सकते हो हमारे पास में एक बड़ा सा लावा पुल भी है, एंड लकीली अपने स्पॉन पॉइंट के थोड़ी दूर में मुझे 3-3 शिप्स मिल जाती है, तो मैं फटाफट से उनको मारता हूं और अपने टोटल 3 वूल कलेक्ट करता हूं। एंड अब अपने पास इनफ वूल हो गए थे जिसकी मदद से हम बड़े आसानी से अपना बेड बना सकेंगे, और बेड की मदद से इस डेंजरस से जंगल बायोम में सर्वाइव करना अपने लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड फिर मैं कुछ वुड कलेक्ट करता हूँ, और वुड कलेक्ट करके मैं बनाता हूँ एक वुड की पिकैक्स, और वुड की पिकैक्स बना के मैं कुछ स्टोन कलेक्ट करता हूँ, और फिर अपने सारे टूल्स को अपग्रेड कर देता हूँ स्टोन टूल्स में, एंड बेसिक से स्टोन के टूल्स बना के मैं निकल जाता हूँ इस बड़े से जंगल बायोम को एक्सप्लोर करने के लिए। और रास्ते में मुझे कुछ बाम्बूस मिलते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे वाटरमेलन्स भी मिलते हैं, तो मैं सबको कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड हाँ गाइज, इस पूरे वर्ल्ड में हमको फूड की कमी तो होने वाली नहीं थी, क्योंकि यार ये पूरा जंगल बायोम वाटरमेलन से भरा हुआ था। और थोड़ी देर इस जंगल बायोम में घूमते घूमते मुझे मिल जाती है एक बड़ी सी केव, जो कि भाई बहुत ज्यादा डीप थी, और स्टार्टिंग में मुझे यहाँ से एक आयरन मिलता है, और यहाँ पर ढेर सारे कोल भी थे, तो फिर मैं फटाफट से आयरन और कोल को कलेक्ट करता हूँ, और इन्हें कलेक्ट करने के बाद मैं बनाता हूँ एक फर्नेस, और इस आयरन को लगा देता हूँ स्मेल्टिंग के लिए, और आयरन स्मेल्ट हो जाने के बाद मैं बनाता हूँ एक शील्ड, ताकि हम इस केव के सारे मॉब से बच सके और इस केव को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। एंड फिर मैं इस केव से बहुत सारा आयरन और साथ ही साथ ढेर सारा कोल कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड अब अपने पास इनफ आयरन हो गया था जिससे हम बना सकते थे अपना फुल आयरन का आर्मर, और साथ ही साथ रिक्वायर्ड आयरन के टूल्स, तो मैं फटाफट से अपने लिए पूरा आयरन का आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड बचे हुए आयरन से मैं बना लेता हूँ एक आयरन की पिकैक्स, एक आयरन का स्वॉर्ड, एक आयरन की बकेट, और कोल और स्टिक की मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ ढेर सारे टॉर्चेस। एंड फिर गाइस यार, इस केव को थोड़ा और एक्सप्लोर करते करते मैं पहुंच जाता हूँ 1.18 वाले बड़े से केव में, वही केव जहाँ पे बहुत सारे डायमंड बड़े आसानी से मिल जाते हैं। एंड गाइज यार, ये रहा अपने वर्ल्ड का सबसे पहला वाला डायमंड, तो फटाफट से इसके पास चलते हैं और अब इसको कलेक्ट करते हैं फटाफट से। थोड़ी देर में मुझे और थोड़े से डायमंड मिल जाते हैं, एंड ये टोटल 2 डायमंड्स की वेन थी। एंड इसके बाद मैं कंटिन्यू डायमंड पे डायमंड कलेक्ट करता हूँ, और मैं अपने डायमंड्स कलेक्ट कर ही रहा था तो भाई ये बंदे लोग आ जाते हैं, तो मैं फटाफट से इनको एक एक करके निपटाता हूँ, और इनमें से एक जॉम्बी ड्रॉप कर देता है भाई कैरट, मतलब अपने जंगल और वर्ल्ड में अपने को मिल जाता है एक नया वाला फूड सोर्स, जो कि था कैरट, तो मैं फटाफट से जाता हूँ और इसको कलेक्ट करता हूँ, और फिर हम निकल जाते हैं ढेर सारे डायमंड माइनिंग करने के लिए। तो गाइज यार, थोड़े से डायमंड माइनिंग करने के बाद मुझे मिल जाता है एक बड़ा सा लावा पुल, तो मुझे जितने भी डायमंड्स मिले थे उनकी मदद से मैं एक बना लेता हूँ डायमंड की पिकैक्स, और यहाँ से माइन कर लेता हूँ ढेर सारे ऑब्सिडियन, ताकि हम इन फ्यूचर आगे जाके बहुत इजीली अपने लिए नेदर पोर्टल बना सके। एंड इनफ ऑब्सिडियन माइन करने के बाद मैं अपना डायमंड माइनिंग कंटिन्यू करता हूँ, और डायमंड की तलाश करते करते मुझे इसी केव में मिल जाता है एक जॉम्बी स्पॉनर, तो सबसे पहले मैं इस जॉम्बी स्पॉनर पे टॉर्चेस लगाता हूँ ताकि और कोई जॉम्बी स्पॉन ना हो, और फिर यहाँ की चेस्ट को चेक करता हूँ, तो पहले चेस्ट में तो मुझे कुछ स्ट्रिंग मिलते हैं, कुछ रेडस्टोन, कुछ कोल और कुछ गन पाउडर मिलता है, एंड सेकंड चेस्ट में होते हैं 2-2 गोल्डन एप्पल, और बाकी सब तो कचरा था। सो गाइज यार, मैं उस केव को पूरा एक्सप्लोर करके और ढेर सारे डायमंड कलेक्ट करके आ जाता हूँ उस केव से बाहर, और निकल जाता हूँ अब एक अच्छी सी जगह ढूंढने के लिए, जहाँ पे हम जाके बना सकेंगे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इस जंगल ओनली वर्ल्ड का। एंड फाइनली थोड़ी देर में मुझे एक ऐसी जगह मिल जाती है जो एकदम ठीक थी अपना बेस बनाने के लिए, तो मैं फटाफट से उस
एरिया को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, अपना क्राफ्टिंग टेबल और चेस्ट लगाता हूँ और उस चेस्ट में अपना सारा कीमती सामान रख देता हूँ। एंड अपने इस जगह के पास में ही एक रुइंड पोर्टल होता है जिसके चेस्ट में हमेशा की तरह कचरा ही होता है। इस रुइंड पोर्टल का सिर्फ और सिर्फ ये गोल्ड ब्लॉक ही अच्छा था। और फिर मैं बनाता हूँ कुछ आयरन की एक्स और निकल जाता हूँ ढेर सारा वुड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब बारी थी अपने लिए एक बढ़िया सा ओपी सा ट्री हाउस बनाने की इस जंगल ओनली वर्ल्ड में। सो बहुत सारा वुड कलेक्ट करके मैं निकल जाता हूँ एक बढ़िया सा ट्री हाउस बनाने के लिए। एंड तब तक लिए तुम लोग एंजॉय करो ये वाला टाइम लैप्स। एंड ये रहा अपना बढ़िया सा ट्री हाउस। तो कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोगों को ये ट्री हाउस कैसा लगा। तो फिर मैं आ जाता हूँ अपने बेस के नीचे और नीचे आके मैं अपने रिवर के पास छोटा सा फार्म बना लेता हूँ और फार्म बना के मैं वहाँ पे अपने सीड्स और कैरेट्स को प्लांट कर देता हूँ ताकि हमको फूड की कमी ना पड़े। और साथ ही साथ मैं कुछ बाम्बूज भी प्लांट कर देता हूँ। और फिर अपने बेस पे वापिस आके मैं कलेक्ट किए ऑब्सिडियन से बना लेता हूँ नेदर पोर्टल। और पता नहीं हम लोगों को ये कहाँ पे स्पॉन करा दिया था, एक छोटा सा आइलैंड था वो भी सोल सैंड वाला और नीचे बड़े बड़े लावा पुल्स थे, लेकिन यहाँ पे ढेर सारे बोन ब्लॉक्स थे तो मैं फटाफट से सारे बोन ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर थोड़ी सी सोल सैंड कलेक्ट करके मैं अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ। एंड इधर नाइट हो गई थी तो मैं फटाफट से सो के डे कर लेता हूँ। एंड नेक्स्ट डे को मैं बनाता हूँ अपने बेस के लिए एक वाटर एलिवेटर ताकि हम बड़े आसानी से ऊपर से नीचे ट्रैवल कर सके। एंड अपने पास स्केल तो था नहीं, इसलिए हमको बकेट के मदद से इस पूरे एलिवेटर को फिल करना पड़ेगा। एंड इसके साथ अपना वाटर एलिवेटर रेडी हो गया। एंड फिर मैं क्राफ्ट करता हूँ ढेर सारी टॉर्चेस एंड साथ ही साथ कुछ आयरन की पिकैक्स और निकल जाता हूँ एक लंबी माइनिंग ट्रिप के लिए ताकि मैं ढेर सारे डायमंड्स माइन करके ला सकूँ। एंड सरप्राइजिंगली मुझे पास की केव में मिल जाता है एक स्केलेटन स्पॉनर, तो मैं फटाफट से वहाँ पे टॉर्चेस लगाता हूँ और वहाँ की चेस्ट को चेकआउट करता हूँ। तो वहाँ के चेस्ट से तो मुझे इतनी खास लूट नहीं मिलती सिवाय एक नेम टैग के, लेकिन यार इन फ्यूचर हम इस स्पॉनर की मदद से एक बड़ी ऐसा बोन मिल प्लस एक्सपी फार्म बना सकते थे। और डायमंड माइनिंग के लिए मैं आ जाता हूँ एक बड़ी सी केव में एंड मुझे एक डायमंड मिल भी जाता है, तो मैं फटाफट से उसको माइन करके कलेक्ट करता हूँ। एंड तभी मुझे वहाँ से दिख जाता है भाई एक माइन शाफ्ट, तो आप फटाफट चलते हैं और उस माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करते हैं। एंड उस माइन शाफ्ट में एंटर करती मुझे मिल जाते हैं दो दो डायमंड्स, तो मैं फटाफट से उनको भी कलेक्ट कर लेता हूं और आगे बढ़ता हूं। एंड फिर माइन कार्ट भी चेस्ट मिलती है जिसमें होता है एक नेम टैग, कुछ रेल ग्लोबेरीज और कुछ सीड। एंड दूसरी चेस्ट में होते हैं कुछ लैपिस लजुली और कुछ ब्रेड्स। तीसरी चेस्ट में बहुत सारी रेल, कुछ ब्रेड्स और एक गोल्डन एप्पल। एंड इसी माइन शाफ्ट में मुझे और डायमंड्स मिलते हैं और ये डायमंड सारे छुपे हुए थे। सबसे पहले मुझे एक डायमंड दिखता है, उसके बाद मैं थोड़ा सा और माइन करता हूँ आसपास तो दो डायमंड और मिलते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा और माइन करने के बाद मुझे मिल जाते हैं और चार डायमंड, मतलब यहाँ पर मिलते हैं हमको टोटल 7 डायमंड। एंड फिर मुझे न्यू वाली छोटी सी एमेथिस्ट बायोम मिल जाती है जहाँ से मैं न्यू न्यू ब्लॉक्स एमेथिस्ट के और न्यू न्यू रिसोर्सेस कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फिर मुझे इस माइन शाफ्ट में थोड़े से और डायमंड्स मिलते हैं। एंड फाइनली मुझे एक और माइन कार्ट विद चेस्ट मिलती है जिसमें होते हैं भाई ढेर सारे आयरन इंगट्स और एक लूटिंग 3 की बुक
और ये माइनक्राफ्ट विद चेस्ट इस पूरे माइनशाफ्ट की सबसे बेस्ट चेस्ट थी। एंड उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ माइनस वाई लेवल 58 पे और स्टार्ट कर देता हूँ स्ट्रिप माइनिंग डायमंड्स ढूंढने के लिए। एंड टोटल 28 डायमंड कलेक्ट करके मैं आ जाता हूँ अपने बेस पे वापस और एमेथिस्ट शार्ड और कॉपर इंगट की मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ एक स्पाई ग्लास। एंड फिर अपने बेस के नीचे एक शिप स्पॉन होगी थी तो मैं उसको वीट का लालच देख के लेके आ जाता हूँ अपने बेस पे और एलिवेटर की मदद से उसको भेज देता हूँ अपने ट्री हाउस में। एंड यहाँ पर एक और शिप थी तो मैं उसे भी लेके आ जाता हूँ और उसे भी भिजवा देता हूँ अपने ट्री हाउस में। एंड लगे हाथों में उनकी ब्रीडिंग भी करवा देता हूँ। एंड फिर हमें कुछ चिकन्स भी मिलते हैं तो उनको भी सीट का लालच देख के मैं उन्हें भी अपने बेस पे भिजवा देता हूँ। एंड फाइनली जिस बंदे का हमें इंतजार होता है वो भी अपने एरिया के पास स्पॉन हो जाता है। हाँ, नाइट टाइम में यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर भी स्पॉन हो जाता है तो फटाफट से चलते हैं और इसको भी लेके चलते हैं अपने बेस पे और फिर इसको ले जाके हम इसका इलाज करेंगे और इसको बनाएंगे विलेजर। ज़ॉम्बी विलेजर को ट्रैप करने के बाद मैं अपने चेस्ट से डायमंड्स उठाता हूँ और डायमंड्स की मदद से मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक डायमंड का फुल सेट आर्मर और साथ ही मैं एक डायमंड की स्वॉर्ड बना के मैं निकल जाता हूँ नेदर में नेदर फोर्ट्रेस की तलाश में ताकि हम ढेर सारे ब्लेजर्स को मार के ढेर सारे ब्लेज रॉड ला सके और ब्लेज रॉड्स की मदद से हम बनाएंगे ब्रीविंग स्टैंड और ब्रीविंग स्टैंड बना के हम बनाएंगे पोशन ऑफ फिटनेस और अपने ज़ॉम्बी विलेजर का ट्रीटमेंट करेंगे। एंड फाइनली थोड़ी देर ढूंढने के बाद हमको एक नेदर फोर्ट्रेस मिल भी जाता है तो अब फटाफट से ढूंढते हैं ब्लेज स्पॉनर और ढेर सारी ब्लेजर्स को मार के बहुत सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट करते हैं और फिर चलते अपने ओवरवर्ल्ड में वापस। सो गाइज यार हम नेदर में से सारा मटेरियल गैदर करके आ जाते हैं ओवरवर्ल्ड में वापस तो फटाफट चलते अपने ट्री हाउस में और ट्री हाउस में चल के सबसे पहले बनाते एक ब्रीविंग स्टैंड और ब्रीविंग स्टैंड बनाने के बाद अब हमको बनाना है एक स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस। सो इसी के साथ अपना स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस भी रेडी है। अब स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस और गोल्डन एप्पल की मदद से अपने विलेजर को क्योर करते हैं। सो जब तक ये बंदा ठीक हो रहा था तब तक के लिए मैं दो तीन शवल क्राफ्ट करता हूँ और निकल जाता हूँ ढेर सारी डर्ट कलेक्ट करने के लिए क्योंकि गाइज यार इतने सारे डेज बीत गए थे लेकिन हमने अभी तक अपने लिए एक ढंग का फूड फार्म नहीं बनाया था इसलिए मैं निकल जाता हूँ बहुत सारी डर्ट कलेक्ट करने जिसकी मदद से हम एक बड़ा सा फूड फार्म बनाएंगे। एंड मैं डर्ट कलेक्ट कर ही रहा था कि तभी मुझे मिल जाता है अचीवमेंट ज़ॉम्बी डॉक्टर का। एंड इसका सीधा मतलब था कि अपना जो ज़ॉम्बी विलेजर है वो क्योर हो गया था और वो कन्वर्ट हो गया था विलेजर में। सो फिलहाल तो हम अपना डर्ट कलेक्ट करना कंटिन्यू रखते हैं और ढेर सारी डर्ट कलेक्ट करके हम चलते हैं अपना बड़ा वाला फूड फार्म बनाने के लिए। तो मैं बनाता हूँ अपना फूड फार्म एंड तब तक के लिए तुम लोग एंजॉय करो ये वाला टाइम लैप्स। एंड ये रहा अपना बड़ा सा फूड फार्म। तो यहाँ पर प्लांट करने के लिए सीड्स और कैरेट्स कम पड़ गए थे तो फिलहाल हमने थोड़ी सी जगह में इनको प्लांट किया। एंड गाइज यार मैं यहाँ खड़े होकर अपने ब्यूटीफुल से जंगल बायोम के मजे ले रहा था कि तभी भाई मुझे वहाँ पर दिख जाता एक ज़ॉम्बी विलेजर। तो मैं फटाफट से जाता हूँ और उसको भी अपने बेस पे लेके आ जाता हूँ वाटर डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से। एंड फिर स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस और गोल्डन एप्पल की मदद से मैं इसको भी क्योर कर देता हूँ। एंड अब क्योंकि अपना एक ज़ॉम्बी विलेजर क्योर हो गया है तो फ्लेचिंग टेबल की मदद से मैं उसको फ्लेचर की जॉब देता हूँ और स्टिक के बदले में उससे ढेर सारे एमराल्ड्स ट्रेड कर लेता हूँ। एंड फिर मैं आ जाता हूँ नेदर में एंड नेदर में आके मैं ढेर सारे हॉगलिंस को मारता हूँ और उनसे कलेक्ट कर लेता हूँ मैं कुछ लेदर। एंड इनफ लेदर कलेक्ट करके मैं यहाँ से वापस जा ही रहा था कि मुझे रास्ते में मिल जाता है भाई एक बास्टियन।
जिसको हम फिर कभी लूटेंगे। सो नेदर से कलेक्ट करके लाए हुए लेदर की मदद से मैं बनाता हूँ एक बुक शेल्फ और उसकी मदद से मैं बना लेता हूँ लैक्टन एंड फिर मैं एक बंदे को बनाता हूँ लाइब्रेरियन ताकि हम उसके पास से ढेर सारे बुक शेल्फ कलेक्ट करके हम अपना एंचेंटमेंट सेटअप कंप्लीट कर सके। एंड फाइनली ये हमारे को बुक शेल्फ के साथ साथ एक अच्छी सी एंचेंटमेंट भी दे रहा था जो कि थी सिल्क टच। तो फिर मैं इससे फटाफट से बहुत सारे बुक शेल्फ खरीद लेता हूँ और फिर फाइनली एक एन्चेंटमेंट टेबल भी बना लेता हूँ और निकल जाता हूँ अपने पास वाली क्यू में जहाँ पे हमको मिला था अपना स्केलेटन स्पॉनर। एंड अब हम स्पॉनर की मदद से बना लेते हैं अपने लिए एक एक्सपी फार्म जिसकी मदद से हम अपने पूरे डायमंड के आर्मर और टूल्स को एन्चेंटमेंट कर सकेंगे। और फार्म बनाने से पहले मैं अपने एन्चेंटमेंट सेटअप को यहीं पर लगाता हूँ और अपने डायमंड के पिकअक्स पे एक अच्छी सी एन्चेंटमेंट लेता हूँ ताकि हम अपने फार्म को ईजिली बना सकें। एंड यहाँ पर मुझे अपने चेस्ट प्लेट पर प्रोटेक्शन 4 मिल रहा था तो सबसे पहले मैं वो उठाता हूँ एंड फिर मुझे अपने पिकेक्स पे भी इफिशियंसी 4, फॉर्चून 3 और अनब्रेकिंग 3 मिल जाती है। तो अब चलते हैं और फटाफट से बनाते हैं अपना बोन मिल प्लस एक्सपी फार्म। तो इसी के साथ अपना जो बोन मिल प्लस एक्सपी फार्म है वो बनके रेडी है एंड मैंने अपना एन्चेंटमेंट सेटअप भी यहाँ पर आके लगा दिया था। एंड एन्चेंटमेंट सेटअप कंप्लीट हो जाने के बाद मैं अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ और वापस आके मैं बनाता हूँ एक शेयर और शेयर की मदद से मैं सारे शिप से वुल कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड अब क्राफ्ट करते हैं ढेर सारे बेड्स और इनको जाके लगा देते हैं हम अपने सस्ते से ट्रेडिंग हॉल में ताकि विलेजर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग करें और हमको ढेर सारे विलेजर्स मिल जाए। एंड फिर मैं एक बार फिर से अपने एक्सपी फार्म पे आ जाता हूँ और वहाँ से ढेर सारे एक्सपी कलेक्ट करके मैं अपने सारे आर्मर और टूल्स को एन्चेंट कर लेता हूँ। सो गाइस यार अपने टूल्स और आर्मर को ओवर पावर्ड बनाने के बाद मैं अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ और अपने बेस पे वापस आके मैं अपने विलेजर्स को ब्रीडिंग करने के लिए ढेर सारे कैरेट्स बांट देता हूँ। उसके बाद मैं चल जाता हूँ अपने फार्म पे और फिर थोड़े देर में अपने फार्म पे काम करता हूँ। जितने भी क्रॉप ग्रो करते हैं उन सबको कट करता हूँ और उनके सीड्स को फिर से रिप्लांट कर देता हूँ और लास्ट में मैं अपने एनिमल्स को खाना खिला देता हूँ। एंड नेक्स्ट डे को मैं अपने बड़े से जंगल से बहुत सारा वुड कलेक्ट करता हूँ, माइनशाफ्ट से मिले हुए लूटिंग ट्री की बुक को लगा लेता हूँ अपने स्वॉर्ड में और उसके बाद मैं स्टिक के बदले में फ्लेचर से ढेर सारी ट्रेडिंग करता हूँ और उनसे बहुत सारे एम्ब्रॉयड ले लेता हूँ। और विलेजरों के साथ ढेर सारी ट्रेडिंग करने के बाद मैं निकल जा रहा हूँ अपने एनिमल्स के लिए एक सेपरेट सी अच्छी सी जगह बनाने के लिए। एंड फिर एक एक करके मैं अपने सारे एनिमल्स को ट्रांसफर कर देता हूँ उनके नए वाले घर में। सो गाइज यार फिर मैं निकल जाता हूँ नेदर में अपने को पास्ट में मिले हुए बाशियन को लूटने के लिए और इस बाशियन के जो गोल्ड ब्लॉक थे जो ट्रेजर था वो बिल्कुल ओपन में था तो मैं सबसे पहले वहां पर जाता हूँ और यहाँ के सारे गोल्ड ब्लॉक को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उस बाशियन में मुझे एक ही चेस्ट मिलती है जिसमें भी इतनी खास लूट नहीं थी तो मैं उस बाशियन को लूट के अपने ओवर वर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ। एंड फिर मैं कुछ लैक्टन बनाता हूँ जिसकी मदद से मैं कुछ विलेजरों को लाइब्रेरियन बना के उनसे अच्छी अच्छी एन्चेंटमेंट ले सकता था एंड हमको फिदर फॉलिंग 4 और मेंडिंग जैसी ओपी ओपी एन्चेंटमेंट मिल भी जाती है तो मैं उससे फिदर फॉलिंग की एक बुक और मेंडिंग की ढेर सारी बुक खरीद लेता हूँ एंड उन्हें जाके लगा देता हूँ मैं अपने सारे आर्मर्स और टूल्स में।
अपने सारे आर्मर्स और टूल्स में मेंडिंग लगाने के बाद मैं अपने क्लरिक से ढेर सारे एंडर पर्ल्स खरीद लेता हूँ और ब्लेस पाउडर की मदद से मैं उनको कन्वर्ट कर देता हूँ आई ऑफ एंडर में एंड फिर गोल्ड इंगट और एप्पल की मदद से मैं कुछ गोल्डन एप्पल क्राफ्ट करता हूँ और निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। और कुछ ही देर में हम होते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में और स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंचने के बाद मैं जल्दी एंड पोर्टल ढूंढ लेता हूं और एंड पोर्टल को एक्टिव करके हम पहुंच जाते हैं एंड में। एंड में पहुंचती मैं सारे एंड क्रिस्टल को फोड़ता हूं ड्रैगन को बड़े आराम से निपटाने के बाद उसकी सारी एक्सपी को कलेक्ट करता हूं और सारी एक्सपी कलेक्ट हो जाने के बाद मैं फाइनल उसके एक को कलेक्ट करके निकल जाता हूं एंड गेटवे से एंड सिटी की तलाश में। लकीली थोड़ी देर में हमको एक छोटी सी एंड सिटी मिल भी जाती है जहां पे एक एंड सिटी शिप भी थी। तो मैं सबसे पहले यहां से इंस्टेंट हेल्थ के पोशन उठाता हूं, उसके बाद इस शल्कर को मार के मैं कलेक्ट करता हूं अपना इलाइट्रा एंड फिर मैं यहां के कुछ चेस्ट को लूटता हूं जहां से मुझे भाई बहुत बढ़िया लूट मिलती है और फाइनली एक इलाइट्रा ओपी लूट और कुछ शल्कर शेल्स को लेके मैं अपने ओवरवर्ल्ड में वापस लौट जाता हूँ। एंड अब हमको बनाना था एक स्टोन जनरेटर क्योंकि यार अभी तक हमने अपने 90% टास्क तो कंप्लीट कर दिए थे, अब सिर्फ और सिर्फ बचा था अपना क्रीपर फार्म जिसके लिए हमको लगने वाले थे ढेर सारे स्टोन। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना अपने लिए हम बना ले एक स्टोन फार्म। एंड तुम लोग देख सकते हो अपना स्टोन जनरेटर बन के रेडी है और तो और ये बहुत अच्छे से वर्क भी कर रहा था। एंड अब क्योंकि अपने पिकैक्स में सिल्क टच लगी है तो हमको कॉबल स्टोन नहीं डायरेक्टली स्टोन मिलेगा जो कि भाई बहुत अच्छी बात है। अब फटाफट से ढेर सारे स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं। एंड गाइज यार तुम लोग देख सकते हो हमने 5 मिनट में कितने सारे स्टोन कलेक्ट कर लिए थे। तो फटाफट से इनफ स्टोन कलेक्ट करते हैं और चलते अपना बड़ा सा क्रीपर फार्म बनाने के लिए। एंड जब तक मैं क्रीपर फार्म बनाता हूँ तुम लोग ये वाला टाइम लैप्स को एंजॉय करो।
एंड गाइज यार अपना बड़ा सा क्रीपर फार्म बन जाने के बाद मैं करता हूँ 30 मिनट तक के AFK अपने क्रीपर फार्म पे, एंड फिर मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि 30 मिनट में अपने क्रीपर फार्म में कितना सारा गन पाउडर कलेक्ट होता है। तो हमें यहाँ पे 30 मिनट हो गए थे AFK करते हुए, अब फटाफट से नीचे चलते हैं और चेकआउट करते हैं कि हमारे चेस्ट में कितना सारा गन पाउडर आ गया है। एंड गाइस यार यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो 30 मिनट में हमको कितना सारा गन पाउडर मिला है, एंड 30 मिनट में इतना गन पाउडर इनफ से ज्यादा है। सो गाइस यार इसी के साथ हमने इस वर्ल्ड के सारे गोल्स भी कंप्लीट कर दिए थे, और तो और हमने सर्वाइव कर लिया था 100 डेज सक्सेसफुली एक डेंजरस से जंगल बायोम में। तो बस गाइज यही था आज के वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, एंड हम इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 15,000 लाइक्स। जैसे 15,000 लाइक्स इस वीडियो पे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। हाँ, जंगल ओनली वर्ल्ड का पार्ट 2 15K लाइक्स कंप्लीट होती आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।